हमें लगा था सब ठीक हो जाए। कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। काका के कहने से हमें उम्मीद बन गई थी, हमें लगा था सब ठीक हो जाएगा, पर एक झटके में सब सब मिट्टी में मिल गए। हम कमजोर नहीं पड़े माँ, हम तो बस रिश्ता खोने का डर है। हमें रिश्ता नहीं खोना, हम हर बार ऐसे मोड़ पे क्यों आ जाते हैं? यहां से मैं कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। माते, ये तो अत्यधिक कठिन परिस्थिति बन गई है संतोषी के समक्ष। गौ माता, गुलाब का पुष्प चूलों के बीच में ही खिलता है। माना कि संतोषी का जीवन साथी सरल नहीं है, किंतु विधि के विधान ने उसके भाग्य में यही लिखा है। हमें संतोषी के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कोई आपत्ति नहीं, किंतु देवी पौलमी का वहां पहुंचना हमें चिंतित कर रहा है। हाँ माँ, यदि देवी पौलमी धरती लोक पर अधिक अवधि तक रही तो वहाँ ईर्ष्या और लालच का जाल बिछाएगी और हो सकता है कुछ ही समय में वो संतोषी का जीवन नरक की भांति कर दे। हमें शीघ्र ही ब्रह्मदेव से देवी पौलमी को बुलाने का निवेदन करना होगा। घूरिएगा तो कांच टूट जाएगा। हमें ये वाहन चाहिए। जरूर मिलेगा अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो तो। ये लीजिए 10 लाख रुपए। अगर कम लगे ना तो मांग लेना, हमारे पास मुद्राओं की कमी नहीं है, लेकिन ये वाहन हमें चाहिए ही चाहिए। लो। ठीक है मैडम, ये गाड़ी आपकी हुई, लेकिन आपको इसे चलाना तो आता है ना? नहीं। तो फिर आप इसे लेके कैसे जाएंगी? ये लो, अब ये विचार करना तुम्हारा काम है। ठीक है मैडम, अब अगर आप इतना परेशान है तो मैं आपकी मदद कर ही देता हूँ। इस बच्ची के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है माँ? ये तो अपनी भक्ति से सबकी तकलीफें दूर करती रहती है, पर इससे खुशियां कब मिलेंगी? काकी, आप यहाँ बताए क्यों नहीं? सोचा अपनी बेटी से बात करने से पहले
संतोषी माँ से बातें कर ले कुछ। अरे अरे मारेगी क्या, देख के नहीं चला सकते। ये तो पृथ्वी लोक का अति उत्तम वाहन है। मैडम अगर आपको गाड़ी ऐसी चलानी थी तो आप मुझे क्यों साथ में लेकर आई? रहम कीजिए मुझ पे, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं मैडम। मैं यही उतर जाता हूँ, फिर आपको जैसे चलाना है आप चलाइए मैडम प्लीज। बेटा हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन तुम हार मत मानना। तेरी तुम्हारा पति है और तुम्हारा हक है उस पर। एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। ये तो ये लड़की पता नहीं क्यों तेरे की जिंदगी खराब करने में तुली है। कोई किसी को बर्बाद या आबाद नहीं करता काकी, सबकी अपनी अपनी नियति होती है। हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा। हो सकता है लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं। हम उस लड़की को धैर्य की जिंदगी से बाहर निकाल के छोड़ेंगे। उसे हम धैर्य की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। पागलों की तरह तो गाड़ी चला रही थी ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे पी हुई है। ऐसे लोगों के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर ये पैसे ना दे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। आप लोग हम पे ये दोषारोप क्यों कर रहे हैं? क्या क्या है हमने? एक तो बेचारे की गाड़ी ठोक दी और बोलती कि मैंने क्या किया। देखिए आप लोग हमसे इस प्रकार बात नहीं कर सकते। पैसे दे दो मुझे, नहीं तो तुम्हें पुलिस चौकी लेके जाऊंगा। निकालो जल्दी पैसे मेरे, पूरा नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी का। तुम जरा रुको तो सही। अरे सुनो तो सही, टीवी देख रहे हो क्या? अरे खजूर के काहे नाटक कर रही हो? चुप क्या बैठो थोड़ी देर। अम्मा हमारे लिए थोड़ी देर चुप बैठो ना। अम्मा संतोषी दीदी कहती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अरे बहुत ज्ञान बांटती है तेरी संतोषी दीदी, उसका गुणगान मत कर हमारे सामने। अब हो गया तमाशा है? अब माफी मांगो और ये मामला सुलझाओ जल्दी से। चलो हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे, हमारी कोई गलती नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। अरे हमको भी तुमसे माफी नहीं मांगनी है, हमने गलती कर दी की जो तुमसे माफी मांगे हमें नहीं मांगनी। चुप, बिल्कुल चुप। साला बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम लोगों का, एक ही घर में रहकर कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ोगे तुम लोग बस। ऊपर से तुम्हारे चक्कर में राजकुमारी जी भी चली गई। तुम्हारी मरण की
लड़की बाबूजी, राजकुमारी जी के बारे में बोला ना तो देंगे। अब क्या है कि तुम लोगों के चक्कर में घर में आया हुआ माल भी चला गया ना। अरे बहला फुसला के रोक लेते क्या जाता तुम्हारा, अब कोई और खाएगा घी मक्खन मलाई सारे पैसे। ऊपर से हमारा दिल और टूट गया, अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। साला तुम्हारे चक्कर में दिमाग इतना गर्म हो गया कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा। और ये रबड़ी लाए थे उनके लिए, इसका क्या करे। पापा इस बात में तो मैं आपके साथ था कि देहरे को समझाना है, पर इस काम के लिए आपको सारी दुनिया में रियाई मिली। इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उसने और आपके चक्कर में वो फिर से आ गई। वो है जिसे हम उसकी जगह से हिला नहीं सकते, और एक ये महारानी जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेती। इतनी बार कहा था तुमसे कि रिया को धैर्य के कमरे से बाहर निकलवा दो, लेकिन नहीं, इतना सा काम नहीं होता इस। अब यहां क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर अपना काम करो। आइए माते, ये तो वो ही हुआ जिसका हमें भय था। देवी पौलमी संतोषी के भवन पहुंच गई। ब्रह्मदेव ने देवी पौलमी को धरती पर दंड के लिए भेजा था, किंतु उनका ये दंड हमारे भक्त के लिए कष्टकारी बन रहा है। देवी पौलमी ये उचित नहीं कर रही। उनका ये रूप विकराल रूप धारण करे उसके पूर्व हमें ब्रह्मदेव के पास जाना होगा। माते क्या हुआ, आप व्याकुल लग रही हैं। हमने ब्रह्मदेव से मिलने का समय मांगा है, किंतु वो अभी व्यस्त हैं। हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। So finally आ गए तुम, फिर रखो जाओ यहां से। तुमने नहीं दिया, मैंने कहा ट्रे रखो और जाओ यहां से। लगता है एक बार तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा ट्रे रखो और जाओ यहां से। तो जाओ यहां से, आउट आउट बाहर। नुपुर ये कौन है? अरे भाभी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, देवघर से आई है। अच्छा,
अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। सिट सर। नूपुर, तुमने पहले कभी इनके बारे में बताया नहीं, और ये देवगढ़ कहाँ है? हम केवल सही स्थान ही नहीं बल्कि सही लोगों के बीच भी पहुंच गए। इनके सहयोग से अब हम देवी संतोषी के भक्त के जीवन को कष्टकारी बनाएंगे। देवगढ़ काफी दूर है भाभी। Anyways, forget it. मेरी दोस्त से मिले, follow me. ये हमारी भाभी, भैया। Hi. और हमारे पापा। ये कौन है? ये हमारे हस्बैंड है, बिचवल। जस्ट वन मिनट, हम वापस आते हैं। क्या है, तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानता? मेरी कोई फ्रेंड वन नहीं है। लिसन टू मी। ये क्या कर रहे हैं आप? जानते भी आप किससे भिड़ रहे हो? ये डीएसपी की वाइफ है। एक फोन पे आप सबको अंदर करवा देगी। इसने फालतू में मसूल जाइए। पुलिस वाले की बेबी है इसीलिए ज्यादा अकड़ रही है। यहाँ से चलते हैं नहीं तो डबल नुकसान होगा। लगता आप नहीं है। Am I right? जी तो फिर आप चलिए मेरे साथ मेरे घर, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Come, 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 let's go. आइए आइए प्लीज। हाँ पर इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? उज्जवल पागल हो गए हो? She is so rich. अगर मुझसे इंप्रेस हो गई हो सकता है एक पॉलिसी भी ले ले। इतने पैसे वाले लोग एक पॉलिसी भी लाखों करोड़ों की लेते हैं। So please try to understand. शायद इससे मेरी टारगेट भी पूरी हो जाए। वही मैं सोचूं, इतना प्यार तो तुम्हें मुझ पर कभी आया नहीं जितना इस पैसे वाली रानी पे आ रहा है। वाह। Shut up, उज्जवल। अरे तुम दोनों वहां क्या बात कर रहे हो? It's nothing, भाभी। चल। यहां कर बैठो ना। वो एक्चुअली भाभी मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ रखवा लेती हूँ। क्या है ना वो पहली बार लखनऊ घूमने आई है और मेरे होते हुए होटल में रहेगी। That would not look nice. लेकिन हाँ हाँ क्यों नहीं? नहीं नहीं हमारा मतलब था कि हाँ इतने बड़े शहर में होटलों में लटके। पुष्पा जाओ जाकर हमारी दोस्त के लिए गेस्ट रूम तैयार करो। गो। जी। ये कौन है? ये संतोषी, हमारे घर की नौकरानी। नौकरानी नहीं, ये हमारे घर की छोटी बहू है और संतोषी है इसका नाम। बहू है पर काम तो नौकरानी जैसी कर रही है। संतोषी रूम क्लीन करवा दोगी प्लीज? आप यहाँ पर? ये रिया पॉलमी को कैसे जानती है? कहीं ये मेरी सच्चाई ना खोल दे। अरे तुम इसे जानती हो? हाँ हम पहले मिल चुके हैं। एक्चुअली मैं और धैर्य। रिया who cares? आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ नूपुर भाभी वो क्या एक्चुअली कि रिया बोर फील कर रही थी
तो हमने सोचा कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते। Oh, that's such a great idea. You guys have fun और आराम से आइए, okay? Enjoy yourself. Thank you so much. Actually, आप ही हो जो हम लोगों को समझ सकते हैं यहाँ इस घर में। बाकी सब लोग तो थैंक यू बाय सी यू चले रिया ओके बाय थैंक यू बाय जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस कन्या का इस घर में प्रवेश हो गया है और हमारा भी अब आएगा आनंद।